रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार मनोज तिवारी के समर्थन में रोड शो किया। रक्षा मंत्री ने रोड शो को संबोधित करते हुए कहा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मनोज तिवारी ने हमेशा दिल्ली के लोगों के मुद्दों की वकालत की है। आजादी के समय महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने नहीं सुनी उनके लिए। इसीलिए मुझे लगता है कि अब जनता ने सोच लिया है और निर्णय ले लिया है कि महात्मा गांधी ने जो भी कहा था उसे पूरा करना चाहिए। अब हमें इस कांग्रेस को भंग करना होगा। मुझे लगता है कि जनता भी कांग्रेस को भंग करने के लिए सहमत होगी। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भी मनोज तिवारी को बोलते हुए कई बार सुना है और भारत की संसद में भी बोलते हुए आप लोगों ने सुना है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, चाहे प्रदेश हो, चाहे देश हो अथवा दिल्ली की समस्याओं को प्रभावी तरीके से संसद में आवाज देने का काम यदि कोई करता है तो आपका सांसद मनोज तिवारी करता है। और मेरे बहनों भाइयों, इस समय हमारा भारत हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है और प्रत्यक्ष हम लोग सारी दुनिया यह देख रही है कि भारत अब पहले का भारत नहीं रहा है, बल्कि भारत अब दुनिया का एक ताकतवर देश बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा तेजी के साथ बढ़ी है। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। और इस बार चुनाव में हमारे महात्मा गांधी पूज्य बापू की दो मुराद पूरी होने जा रही है। पहली उनकी मुराद थी कि भारत यह विकसित भारत बनना चाहिए, ताकतवर भारत बनना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए। तो आप देख रहे हैं एक नई सोच के साथ नए भारत का निर्माण होते हुए यह सारी दुनिया इस समय देख रही है। एक यह मुराद पूरी हो रही है और दूसरी मुराद महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी और पूज्य बापू की दूसरी मुराद यह थी, जब आजादी हासिल हुई थी उन्होंने कहा था अब कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, लेकिन उस समय कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस को भंग नहीं किया था। लेकिन आज महात्मा गांधी की उस मुराद को पूरी करने का काम यदि कोई कर रहा है तो इस देश की जनता कर रही है। बहनों भाइयों, अब कांग्रेस का भारत की राजनीति से सफाया होने जा रहा है।